हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत लोग मेरे चैनल में न्यू हैं और मैं एक साल बाद ही वीडियो बना रही हूँ, तो इससे अच्छा क्या होगा कि न्यू नोटिफिकेशन है AIB को लेकर। पर ये 3 हफ्ते पुराना है, बट एक रफ स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस आपको बताने का तरीका जो था मेरा शेयर करने का इन्फॉर्मेशन, मैं लिटरली भूल चुकी हूँ लग रहा है मुझे, और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। तो शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल्स में हम AIB की प्रिपरेशन करेंगे साथ में। तो इसके लिए यहाँ देखिए, एग्ज़ाम का अभी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन तो नहीं है कि किस दिन एग्ज़ाम होगा, डेट अभी तक मेंशन नहीं है। लास्ट वीक अगस्त को बस एक है कि दिया हुआ है, फ़ी कितना है, कौन दे सकते हैं, कौन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो सब पे बात करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2022 AIB एग्ज़ाम 17 का डेट अनाउंस लास्ट वीक, जैसे कि है यहाँ पे, अगस्त में हो जाएगा। अब आजकल में हो जाना चाहिए, अभी तक तो नहीं है। और यहाँ पे बात करेंगे लास्ट डेट एप्लीकेशन, वो भी नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम का डेट है सितंबर, तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो स्टार्ट कर दीजिए आप लोग प्रिपरेशन। क्राइटेरिया क्या है इसका, कि जो 3 साल जिन्होंने किया है LLB, या जिनका BA LLB या और कोई 5 साल का भी आफ्टर क्लास 12 वाला कोर्स है, वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब जो भी आप लॉ ग्रेजुएट है, तो और लॉ ग्रेजुएट में आपका कैंडिडेट को स्टेट बार में रजिस्टर करना ज़रूरी है। स्टेट बार में, क्योंकि ये तो आप दे रहे हैं AIB एग्ज़ाम, तो स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपका इनरोल करना ज़रूरी है। तो वो एक यहाँ पे है कि चलो ये एक है, एज लिमिट कुछ है नहीं, और अटेम्प्ट विद इन 2 ईयर्स आपको पास कर लेना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस अपना ज्वाइन कर सकते हो फिर से। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस में हो या इंटर्नशिप कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, आपको 2 साल में क्लियर कर लेना होगा ये एग्ज़ाम। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपका पासपोर्टो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर है, कॉपी ऑफ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ID प्रूफ है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो LLB का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगा, फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोग का जिनका कंटिन्यू होता है 5 साल का, उनका होता है फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 10th सेमेस्टर तक, तो वो हर सेमेस्टर का आपको देना होगा। और जिनका 3 साल का है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक आपको देना होगा। अगर आपका LLM है, सर्टिफिकेट मार्कशीट है, तो वो इन केस ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। ID प्रूफ, यहाँ मैंने बहुत इसमें वीडियो में मैंने एक दो वीडियो में बात भी किया है लास्ट ईयर का मैंने, कि एडवोकेट ID कार्ड। तो एडवोकेट ID कार्ड एक होता है छोटा सा, या तो फिर जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वो इनरोलमेंट नंबर, वो मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कैसा होता है, ज़रूर देख ले, वही होता है। आईडी कार्ड आपका छोटा वाला तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो वो आपका इनरोलमेंट नंबर जो है, वो जो पेज है, वही आपका एडवोकेट आईडी कार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ आपका देखिए यहाँ पे AIB का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम का वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म जब आएगा तो डेट मैं शेयर करूँगी कब है क्या है, उसके बाद उसको फॉर्म फिल करने के बाद चालान होगा, चालान आपका प्रिंट आउट करके, उसके बाद आपको बैंक में जाके आपको पैसा पे करना है, उसके बाद उसका चालान का आपका वो रिसीट लाके आपको फिर ऑनलाइन अपलोड कर देना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मैं यहाँ पे कुछ देर रोक दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले। उसके बाद AIB रजिस्ट्रेशन 2000 इसका है, ये है इसका तो कुछ नहीं है अभी। अच्छा, तो यहाँ कुछ डिटेल्स में है, यहाँ भी मैं कुछ देर तक रोक दे रही हूँ। तो फॉर्म में क्या क्या होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे।
नेम, जेंडर, हस्बैंड या फादर नेम, आपका ये है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स, इनरोलमेंट नंबर। मैं कुछ कुछ देर रोक रही हूँ ताकि आप देख सके इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या है, स्क्रीन शॉट ले सके। ये देखिए, और अच्छा लैंग्वेज जो है 11 लैंग्वेज में पेपर आएगा आपका, तो अब टेंशन की बात नहीं है कि मतलब आप चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, बाकी 11 जो लैंग्वेजेस हैं आप वो भी चेक कर ले, आप किस में देना चाहते हैं, तो लैंग्वेज ऑप्शन होगा तो आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ देखिए यहाँ लैंग्वेज का दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो गाइज ये सबमिट कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ी कैसे है, तो यहाँ मैं रोक दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत, क्योंकि ऑलरेडी 3 हफ्ता हो चुका है इस नोटिफिकेशन को आए हुए, और मैं बहुत शॉर्ट सा वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, सिलेबस की, बुक्स की, सब चीज़ की। तो ये आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद फीस वगैरह का बात करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल ओबीसी है 3500, उसके बाद एससी एसटी है आपका 2500, उसके बाद यहाँ बैंक फी 60 रुपीज़ करके है। तो ये डिटेल्स थे गाइस, कि ये बहुत शॉर्ट और रफली मैंने बताया है अभी। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो मैंने उतना कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं बनाया, आई एम रियली सॉरी, बट ये मेरा स्टार्टिंग है 1 साल बाद, सो थोड़ा सा उसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी बहुत अच्छे से, सो होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट जो भी हेल्प आपको चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं हेल्प करूँगी आपकी। थैंक यू सो मच।